Happy birthday, sir. शर्मा जी है, शर्मा जी थैंक यू सर। अरे सर यहाँ पे सामने देखो सर, राइट सर, राइट में सर, राइट में देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ये खुद खा लेता हूँ, ने खिलाया नहीं, क्या मेरा बार बार ये दिन है, अपनी हजारों साल ये हमारे हर दिन। हैप्पी बर्थडे। हो गया।
चलिए बाबा हो गया हो गया। थैंक यू थैंक यू। तुमची फोटो कोण काढतो? नाही येत आहे एक मिनट सर पीछे का भी पकड़ो बैंगलोर थोड़ा बैनर हमें बना के लाया बैंगलोर पीछे का पकड़ो पीछे विजय हुआ क्या? ओके सनी सर, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो दो साल बाद चीजें अब थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, कैसा फील कर रहे हैं? यू नो, क्योंकि फैंस का इतना सारा प्यार मिलता है आपके बर्थडे पर, लेकिन दो साल से वो मिसिंग था क्योंकि लॉकडाउन था, और अब दो साल बाद थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन है, लोग आए हैं, फैंस आए हैं आपके, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, कैसा फील? देखिए, फैंस तो बहुत हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ताकत है वो, और बस उसी उम्मीद के साथ फिर से मैंने कहा कि फिर से मैं भी सिर्फ एक्टिंग करूँगा। और शर्मा जी गदर की कहानी लेकर आए तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है, तो मुझे यकीन है कि जैसे गदर भी हमने बनाई थी फिल्म, लोगों को पसंद आई थी, ये भी हम वहाँ तक पहुँच पाए। जी जी बिल्कुल पहुंचेंगे। ये कोलैबोरेशन फिर से होने वाला है, यू नो, काफ़ी सालों के बाद में, तो इस कोलैबोरेशन को सेलिब्रेट साथ ही में कर रहे हैं आज इनके बर्थडे के साथ। ये तो हमारा इनका कोलैबोरेशन तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, फिल्म हो ना हो कोलैबोरेशन तो है ही, और सेलिब्रेशन भी रोज ही होता है इनके साथ। आज कोई, लेकिन आज स्पेशल डे है तो स्पेशल सेलिब्रेशन है। घर पर फैमिली के साथ में किस तरह से बर्थडे मनाया है अभी तक, या फिर अभी पार्टी बाकी है? देखिए, बर्थडे तो जैसे हर आदमी इंसान अपने घर में मनाता है, वैसे ये कुछ अलग तो है नहीं, बस हम सुबह हवन करते हैं जो मैं हर अपने जन्मदिन पर करता हूँ, उस वहाँ से शुरुआत होती है, फिर बाद में जैसे दिन बढ़ता है जो भी लोगों से मिलता हूँ, और जैसे फैंस आए हुए हैं अलग अलग जगह से आते हैं, हर साल आते हैं, जहाँ भी मैं हूँ वहाँ आ जाते हैं, इस बार मैं बॉम्बे में हूँ। वैसे सनी, आपके लिए सीक्वल का मौका है, अपने टू है, ब्रदर टू है, सीक्वल्स आ रही हैं आपकी, कुछ बताना चाहेंगे कब से शूटिंग्स वगैरह स्टार्ट होने वाली है? सब शूटिंग्स तो काफ़ी शुरू भी हो चुकी हैं, जैसे मैंने बालकी की फिल्म तो ऑलरेडी नियरली ख़त्म ही हो चुकी है, अभी गदर शुरू करेंगे, उसी के साथ एक और फिल्म मैं शुरू कर रहा हूँ, तो फिल्में ढेर सारी शुरू हो रही हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा अभी कहना क्या है कैसे है सही नहीं होता, तो बस यही है कि ये जरिए के थ्रू मैं अपने फैंस को बता सकता हूँ कि भाई आपको मैं एंटरटेन करने आ रहा हूँ वापस, और ढेर सारी फिल्में करूँगा। लेकिन इसके अलावा यू नो थिएटर्स रीओपन होने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चलता है, सब कुछ हो रहा है। फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा, देखिए मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बाहर ही हवा जा नहीं पाता, और कोविड की वजह से भी नहीं ज़्यादा जा सकते, बट डेफिनेटली जितनी भी फिल्में आ रही हैं सब फिल्में बढ़िया फिल्में होंगी, और मुझे पूरा यकीन है जनता जाना भी चाह रही है, थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज एक आदत बननी वापस तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सिनेमाज वैसे के वैसे ही रहेंगे।
सर अपनी टूर के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? पहले आपने अपनी फैमिली आपके डैडी और आपके भाई के साथ आपने किया था काम, तो अब फिर से कैसा है, मतलब कैसे लगेगा आपको, कैसा फील हो रहा है ये फिर से उसका सेकेंड सीक्वल बन रहा है? देखिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज इसमें मेरा बेटा भी होगा तो पूरी पूरा परिवार बीच में होगा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बस उसकी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट नहीं खत्म हो जाए, तो उसके बाद फिर देन वी विल डू अ प्रॉपर अनाउंसमेंट अबाउट इट. गदर की अगर बात की जाए तो गदर एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है. आज तक लोग उसको देखते हैं तो वो फ्रेशनेस जो है वो नहीं गई है, लेकिन जब आपने गदर 2 हाल ही में अनाउंस किया दशहरा के मौके पर, तो किस तरीके का आपके फैंस का रिएक्शन आया? क्योंकि आपने अभी अभी हम लोगों से पूछा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, तो आपके फैंस की तरफ से कितनी एक्साइटमेंट आपको? आई थिंक सब बहुत ही हद से ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज ये फिल्म ही इस तरह की है जिसे जनता ने ही इसे उठाया है और जनता ही इसे वहाँ लेकर गई है. ना क्रिटिक्स ने इसे उठाया, ना मीडिया किसी ने इसे उठाया नहीं थे, तो जनता इसे लेकर गई है जहाँ जाना था इसने. तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कब हम करेंगे, नहीं कर रहे थे. बट अच्छी कहानी मिलना बहुत ज़रूरी है और जैसे हमारे पास कहानी आई अभी मुझे पूरा यकीन है कि कई सालों से हो रहा था गदर टू. आप भी देखते थे मीडिया में आ रहा है, लेकिन सनी सर का और हमारा यही था कि जब तक हमको ऐसा ना लगे कि हम ऑडियंस को उतना ही रोमांचित कर सकें, उतना ही इमोशंस दे सकें जो हमने गदर 1 में दिया था, उतनी अच्छी कहानी हाथ में ना आए तब तक नहीं शुरू करेंगे. तो हो गई है, होगा. ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. 3 दिन तक इंटरनेट पूरी तरह से गदर 2 ने स्ट्रॉम कर लिया, सबको मालूम है क्या हुआ है, तो मैं क्या बोलूँ. आप सबको भी गदर का एक्साइटमेंट है. बस हमें करने दीजिए व्हाट वी आर गुड एट, एंड यही उम्मीद रखते हैं कि हम अपने आप में से अच्छा काम कर पाएँ और इस चीज़ को भी उस मुकाम तक ले जाएं जहाँ तक गदर पहली फिल्म थी हमारी. वेल सनी, लास्टली दिवाली आ रही है, कुछ प्लान्स है इस दिवाली? आपके क्या प्लान है? जरा शेयर. तो काम ही है. तो मेरा भी वही काम है. आप लोगों से बात करना जब मौका मिलता है. विशिंग एवरीबॉडी अ हैप्पी दिवाली एंड Enjoy every festival, just enjoy. Don't get restricted about anything. Thank you so much. Thank you.